गुड मॉर्निंग सेवन स्टैंडर्ड। कंट्रोल स्टेटमेंट इन क्यूब बेसिक्स। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड दिस लेसन एंड ऑल्सो प्रोग्राम्स। लास्ट क्लास में हम इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं और उसके प्रोग्राम भी कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अपने पेज नंबर 72 पे हम आएंगे, जिसमें सबसे पहले आपके ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है द फोर स्टेटमेंट इज प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द लूप एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट एट द एंड। क्या देखेंगे हम फोर स्टेटमेंट को, जबकि फोर स्टेटमेंट है इज प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द लूप एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट एट द एंड। यहाँ पे जो हमारा लूप है वो बिगनिंग में स्टार्ट हुआ और एंड में हमारी स्टेटमेंट है नेक्स्ट। तो ये बात ट्रू है, इसलिए इसको इसका फिलअप आएगा ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड देखेंगे, नेस्टेड लूप्स आर पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर देन वन लूप विद इन द अनदर। नेस्टेड लूप्स क्या करता है, पॉसिबल करता है मोर देन लूप्स को। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक के बाद दूसरा लूप लगाया गया है। और ऐसे ही जब मैंने प्रोग्राम बनाया था आपका, तब भी आपने देखा था कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स ऐड कराए, मार्क्स ऐड कराए, फिर उसकी एवरेज भी निकाली। यानी एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने तीन तीन काम करे, पहले स्टूडेंट्स के नाम भी लिखे, साथ उसके मार्क्स भी डाले और एवरेज भी निकाले। जब हम एक लूप के थ्रू मोर देन काम करते हैं तो वो हमारा क्या उन सब लूप कहलाता है, नेस्टेड लूप कहलाता है। तो इस फिलअप का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वन वांट्स टू अवॉइड एंट्रिंग डाटा मैन्युअली। ये फॉल्स है, ये फॉर नेक्स्ट में नहीं होता। हम फॉर नेक्स्ट में मैन्युअली डाटा एंटर नहीं कर सकते। हम कहाँ डाटा मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं द रीड डाटा स्टेटमेंट के अंदर हम अपने डाटा को मैन्युअली एंटर करा सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वन वांट्स टू अवॉइड, एक जब अवॉइड करे एंटरिंग द डाटा मैन्युअली, और हम अपने डाटा को मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। डाटा इज़ प्रोवाइडेड इन द प्रोग्राम इट्सेल्फ, अपने आप डाला जाता है। जैसे यहाँ पे मैन्युअली हम डाल सकते हैं, तो इसका हमारा फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है इन डू व्हाइल लूप द इनर लूप शुड बी एग्जीक्यूटेड बिफोर द आउटर लूप। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, डू व्हाइल लूप में जो आपके एक्सप्रेशंस है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, डू व्हाइल लूप में टेक्स्ट एक्सप्रेशन इन द लूप इज ट्रू। बिगनिंग में जो है कंडीशन चेक हो रही है, शुरुआत में ही हमने बिगनिंग में ही चेकिंग कर ली, तो बिगनिंग में आएगा हमारा डू व्हाइल लूप। इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप कंटिन्यूज, अदरवाइज कंट्रोल गोज आउट द लूप, नहीं तो कंट्रोल हमारा आउट हो जाएगा नीचे की साइड। तो हमारा इस में आएगा इनर डाटा हो गया, कहाँ से हम सॉरी, इन ऑर्डर टू सेट द काउंटर इन ऑपरेशन वी हैव टू फर्स्ट इनिशियलाइज द काउंटर। जब हम काउंटर चला रहे हैं तो हमारा कहाँ से शुरू होगा, इनिशियलाइज मैंने होता है बिगनिंग से, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। अब जल्दी से आएंगे हम टिक द करेक्ट पे। क्विक बेसिक हैज़ डैश कंट्रोल स्टेटमेंट, क्विक बेसिक मैनी कंट्रोल स्टेटमेंट्स आते हैं इसमें। डू व्हाइल स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट अ कंडीशन एट द बिगनिंग। डू व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर यहाँ भी था, सॉरी यहाँ कि वो बिगनिंग में कंडीशन को चेक करता है कि बेसिक के अंदर कंट्रोल कितने हैं, मैनी, ना ही टू है, ना ही वन है, ना ही थ्री है, कितने हैं, इनसे ज़्यादा है, मैनी। द अरेंजमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग वन लूप विद इन द अनदर इज कॉल्ड डैश लूप्स।
उसे हम बोलेंगे नेस्टेड लूप। जैसे अभी मैंने आपको बताया था नेस्टेड लूप के अंदर हम मोर दैन कमांड्स एंटर करा सकते हैं, जैसे वहाँ पे हमने मार्क्स करे थे और एवरेज भी निकाली थी और नेम भी एंटर करे थे। तो अरेंजमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग वन लूप विद इन द अनदर, उसी के अंदर दूसरा करें तो हमारा वो नेस्टेड लूप कहलाता है। उसके बाद है द फोर स्टेटमेंट इज प्लेस्ड एट द डैश ऑफ द लूप बिगनिंग। फोर स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? बिगनिंग से स्टार्ट होती है। द रीड डाटा स्टेटमेंट इज यूज व्हेन वन वांट्स टू अवॉइड एंटरिंग डाटा, जब डाटा हमें एंटर कराना हो मैन्युअली तब हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? रीड डाटा स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ द रीड डाटा स्टेटमेंट इज यूज तब यूज होता है व्हेन वन वांट्स टू अवॉइड एंटरिंग डाटा, जब कोई एक अवॉइड कर रहा है डाटा को एंटर करने से तब मैन्युअली हम कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, आपको फिल करनी है। और नेक्स्ट आपका जो ओके स्टूडेंट्स सेवन स्टैंडर्ड, आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है अपनी बुक में और साथ साथ इसे लर्न भी करना है।